लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान पूर्वा में सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कहा कि ये चुनाव तय करने का चुनाव है कि देश और बंगाल की जनता को परिवारवाद की राजनीति चाहिए या राम राज्य की। शाह ने पीएम मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने गरीब कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, जिसमें मुफ्त राशन, शौचालय की सुविधा, गरीबों को घर, फ्री गैस सिलेंडर, नल से जल जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। भाई और बहनों, आज मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार असीम सरकार जी को जिताने की अपील करने के लिए आया हूँ। जोर से ताली बजाइए असीम सरकार जी के लिए। मगर मैं आपको बता देता हूँ, असीम सरकार के नाम के सामने कमल के फूल का निशान है, उस पर जितना बटन दबाओगे हर वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। भाई और बहनों, ये चुनाव जो है वो तय करने का चुनाव है कि देश की जनता को, बंगाल की जनता को परिवारवाद राज चाहिए या राम राज्य चाहिए। देश के अंदर मोदी जी ने 10 साल में ढेर सारे गरीबों के कल्याण के लिए काम किए। आपके यहां बंगाल में करोड़ों लोगों के यहां, गरीबों के यहां जो मुफ्त चावल आता है वो नरेंद्र मोदी जी ने भेजा हुआ है। 12 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट, शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 4 करोड़ गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और 14 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। मगर ये दीदी, मोदी जी की योजनाओं को नीचे नहीं पहुंचने देती। मैं आपको बताने आया हूं, वर्धमान वालों, असीम सरकार को जिता दो, 30 से ज्यादा सीटें मोदी जी की झोली में डाल दो, बंगाल में 5 लाख तक का सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। हमारे यहां वर्धमान जिले में वर्धमान का नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, नेशनल हाईवे 19 चौड़ा हो रहा है, 1000 करोड़ से हावड़ा वर्धमान नवी रेलवे लाइन हुई, दुर्गापुर और आसनसोल के रेलवे स्टेशन नए बनाए गए, आवास योजना में 18,000 घर मोदी जी ने भेजा, 7 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर दिया, अन्न योजना में हर महीने 5 किलो चावल नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और मित्रों मैं कहकर जाता हूं, और 3 करोड़ घर जिनके पास घर नहीं है ऐसे गरीबों का नरेंद्र मोदी जी बनाने वाले हैं। भाइयों बहनों, पूरे देश में विकास हो रहा है, हमारा बंगाल पिछड़ गया है। यहां पर भी 30 सीट मोदी जी को जिता दो, बंगाल को हम देश का नंबर एक राज्य बनाएंगे। हमारा सोनार बांग्ला का कल्पना अगर कोई साकार कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते। मां माटी मानुष की सरकार अगर वापिस लाना है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी ला सकते हैं। भाई और बहनों,
आने वाले चुनाव में चिल चिलाती धूप है, आज भी 45 डिग्री टेम्परेचर में आप हजारों की संख्या में यहां आए हैं, मगर उस दिन गर्मी की परवाह मत करना, एक घंटा अपने बंगाल के लिए निकालना, मेरे भाई असीम सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ जिताना, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचिए और बोलिए भारत माता की। राष्ट्र सर्वे।